कि गौशाला के नाम से कितने राशि इकट्ठी की जाती है, धर्म के नाम से भावों से खेला जाता है, लेकिन गाय आज ऐसी भी ऐसे ही घूम रही है, कितनी गाय ऐसे ही मर गई है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश से लोकेश मुजाल्दा जी, राष्ट्रीय प्रभारी जय मध्य प्रदेश, आप आए अपनी बात रखें। लोकेश मुजाल्दा जी एक बार जोरदार ताली स्वागत करें। 5 मिनट। सर्वप्रथम आप सभी को जय जवाहर, जय आदिवासी। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं भीलों की इस सरजमी को, बेड़का की सरजमी को, माऊ जी महाराज की इस सरजमी को बहुत बहुत नमन करता हूं, हमारे पूर्व के क्षत्रियो को नमन करता हूं। आज इस बेड़का में जहां पर 3 नदी का संगम होता है, जो माही नदी है हमारे गया जिले से निकलकर आती है, उस जगह पे मैं आज खड़ा हूं, मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जो सोम नदी है, जो बीछा मेरा भील की पहाड़ी से निकलती है और बेलका में आकर मिलती है, जो जाखाम नदी है वो बेलका में आकर मिलती है, ये 3 नदियों का संगम, ये आदिवासियों की त्रिवेणी है, इसे आदिवासी की गंगा नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि माही नदी का संगम है, सोम नदी का संगम है, जाखम नदी का संगम है, तो उसको उसी के नाम से पुकारा जाना चाहिए, ना कि आदिवासी की गंगा कहा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी गंगा तो उत्तर प्रदेश में वहां पे है। हम लोग, मैं जयंत और पूरी टीम, हम आदिवासी परिवार के साथ हमेशा साथ हैं और हक की लड़ाई में साथ रहेंगे। आज हम उस सरजमी पर खड़े हैं जिस सरजमी के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी जब पहली बार इंडिया में घुसे थे तो सबसे पहला तीर माथे पे मारा था और मार दिया था, उस सरजमी पे खड़े हैं, इसलिए हमको बहुत गर्व महसूस होता है। ये जो सम्मेलन है, इस राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी प्रदेशों के लोग पधारे हैं, हम लोग एकता की बात करते हैं, हम लोग एकता के सूत्र में रहकर इस सम्मेलन का आयोजन किए हैं। आयोजनकर्ता को बहुत बहुत बधाई, और आपका आयोजन आज देख लीजिए, आज चीजें पब्लिक है, अपने अपने पैसों से आए हुई पब्लिक है, और कल मानगढ़ धाम में किराए के पब्लिक आएगी तब भी इतने लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये आदिवासी खून है, अपने कौम को बचाने के लिए आए हैं, अपने बेड़सो धाम को बचाने के लिए आए हैं। ये जंगल हमारा है, ये जो नदी निकली है ये हमारी है, ये पहाड़ हमारे हैं, यहाँ पे जो देव थे वो हमारे हैं, तो फिर ये इस जमीन का नामकरण और इस जमीन का पुजारा भी आदिवासी होना चाहिए, ना कि कोई गैर होना चाहिए। इस जमीन के लिए ये आंदोलन किया है, मैं उन आंदोलन साथियों को बहुत बधाई देता हूँ। हम लोग आपका जो भील प्रदेश का नारा है, हम भी भील के ही वंशज हैं, हम भी भील के ही वंशज है, हमारे पूर्वज भी राजस्थान से मध्य प्रदेश गए हैं, और मध्य प्रदेश में जाकर चाहे भीलाला बन गए चाहे बारेला बन गए, लेकिन हमारा खून आदिवासी खून है, भील का डीएनए हमारे अंदर है, और वो खून बोलता है, इसीलिए आज चाहे भील हो भीलाला हो बारेला पटलिया हो, यहाँ आदिवासी नजर आ रहा है, ये सबसे बड़ी खासियत है। और जैसे कि कांति लाला ने कहा कि हमारे पंचायत भील के यहाँ पर कार्यक्रम होना चाहिए, दादा अगला कार्यक्रम हम वहीं पर करेंगे, आप सब लोग बताइएगा, हम आज आपको आमंत्रण देते हैं। जिस टंटिया भील ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, उनका नाम तक लेने में सरकारें कतराती थी, जिस मानगढ़ धाम में 1913 में 1507 आदिवासी शहीद हो गए, सरकारों के आतान में जू नहीं रह रहा था, लेकिन आपके जन जागरण ने दिल्ली के लोगों को मानगढ़ आने को मजबूर कर दिया, ये आपकी ताकत है, तो इस ताकत को बरकरार रखिएगा, चाहे आदिवासी परिवार हो चाहे जयस हो, सबसे पहले समाज, संगठन से पहले समाज है, और समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग हरदम खड़े रहेंगे, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो। बस मुझे समय कम मिला है, मैं इतना ही कहूंगा, और अंत में एक चीज कह देता हूं, ना हम हिंदू है ना मुसलमान है, ना हम हिंदू है
न मुसलमान है, न सिख न ईसाई है, हम इस देश के मूल मालिक आदिवासी हैं। आप सभी क्रांतिकारी साथियों को बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। जय जोहार का नारा है, भारत देश नारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय भी प्रदेश। धन्यवाद। धन्यवाद लोकेश भाई।